सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, नई रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरईएस सीटी की। इसके अलावा दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक व शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 27 जुलाई 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास 27 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं। नई रीट 2024 को लेकर न्यूज रीट पर टिकी है निगाहें। फिलहाल प्रदेश के बीएड और बीएसटीसी के विद्यार्थी कर रहे हैं रीट 2024 पात्रता परीक्षा का इंतजार। इसी साल होने की संभावना, जल्द सरकार दे सकती है भर्ती की अनुमति। इसके अलावा हमारी मांग, रीट विज्ञप्ति जारी करे, ट्विटर ट्रेंड जारी है बेरोजगारों द्वारा सरकार से मांग। शिक्षक भर्ती में नियुक्ति के वंचित अभ्यर्थियों की पीड़ा, उपेन्द्र यादव से लगाई गुहार। रीट लेवल 1 वेटिंग लिस्ट मामला। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सूचना करीब 5954 पदों पर सितंबर के महीने में जारी हो सकती है फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति, सेकंड ग्रेड की भी जारी होगी। प्रवेश पत्र 31 को अपलोड होंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। राजस्थान लोक सेवा आयोग प्रेस विज्ञप्ति। हॉस्पिटल केयरटेकर भर्ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग। आरपीएससी संरक्षण अधिकारी परीक्षा का सिलेबस अपलोड। पुस्तकालयों में फर्स्ट ग्रेड में 23, सेकंड ग्रेड में 813 और थर्ड ग्रेड में 1004 पद खाली। सरकार ने की 567 पदों की घोषणा, अभ्यर्थना मात्र 500 पदों की। शिक्षा विभाग ने चयन बोर्ड को भेजी। प्रदेश के स्कूलों पर एक नज़र। फर्स्ट ग्रेड रिक्त 23, सेकंड ग्रेड 813, थर्ड ग्रेड 1004। नवज्योति न्यूज़। 21 साल से नहीं हुई भर्ती। संस्कृत शिक्षकों ने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। परिवहन विभाग से बड़ी खबर, चालक के 271 पदों पर होगी सीधी भर्ती। परिवहन विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव, विभाग में बड़ी संख्या में खाली है चालकों के पद। राज्य के महाविद्यालयों में खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा, उच्च शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बजल ला सरकार ने दिया बेटियों को तोहफा, 93 बालिकाओं के खाते में 45 लाख रुपए ट्रांसफर, मुख्यमंत्री भजन लाल। मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, राजस्थान में अग्निवीरों को भर्तियों में तरजीह। भजन लाल सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में, जेल प्रहरी में और वन रक्षक भर्ती में प्राथमिकता, सीएम भजन लाल शर्मा का ऐलान। दंत चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजन में अनियमितताओं की शिकायत, राजस्थान पत्रिका न्यूज जयपुर। शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश, संविदा पर लगे 4500 शिक्षकों को नहीं हटाया जाएगा। 28 जुलाई को समाप्त हो रहा था कार्यकाल। शिक्षा विभाग बीकानेर, राजस्थान पत्रिका न्यूज। करीब 4500 थे। स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी, कोई तो बताए पौधे लगाकर कैसे भेजे फोटो। तीसरी बार रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश, नीट का संशोधित परिणाम जारी, अब 61 के बजाय 17 टॉपर, नई दिल्ली। शिक्षक सम्मेलनों का आयोजन व 4 सत्रों की बकाया डीपीसी जल्द करने की मांग। 4 सत्रों की डीपीसी से थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, 30,000 पदों पर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड से वाइस प्रिंसिपल जारी है। अगस्त में जारी हो सकता है नोटिफिकेशन, सितंबर अक्टूबर में प्रस्तावित है परीक्षा। सीटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी, 40% अंक वालों को मिल सकती है पात्रता। सीटी में 2 साल तक स्कोर माना जा सकता है वैलिड, भास्कर न्यूज। समान पात्रता परीक्षा सीटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है सरकार। न्यूनतम अंक प्राप्त करने और वैधता अवधि का दायरा बढ़ाने को लेकर मंथन कर रही है, जल्दी इस पर
निर्णय हो सकता है। चयन बोर्ड ने भी नियमों में बदलाव की बात स्वीकारी है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीईटी स्नातक स्तर। आलोक राज का भी बयान। आरयूएचएस एक शिक्षक अब दो जगह नहीं पढ़ाएंगे, फैकल्टी की योग्यता व पंजीकरण का देना होगा ब्यौरा। आठ पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा 3-5 अगस्त को आरपीएससी। जिनकी नियुक्ति दिव्यांगता प्रमाण पत्र से हुई उन्हें पुनः जांच की जरूरत नहीं। छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा कल, जयपुर के 17 केंद्रों पर 4000 अभ्यर्थी आजमाएंगे भाग्य। छात्रावास अधीक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड की। नवोदय स्कूल कक्षा 6 प्रवेश के आवेदन 16 सितंबर तक होंगे, परीक्षा 18 जनवरी को। ऐसे भर्ती भी आरएएस की तरह कराने का प्रस्ताव आरपीएससी ने राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी को 2 प्रस्ताव भेजे हुए। पहला प्रस्ताव ऐसे भर्ती परीक्षा अलग से नहीं कराकर आरएएस के जरिए ऐसे लेने का है। हालांकि ये प्रस्ताव 2022 में पहली बार भेजा गया था। अधिकारियों के मुताबिक अब इस पर मंथन किया जा रहा है। दूसरा प्रस्ताव डिग्री वेरिफिकेशन से संबंधित है, जिसमें विभाग अपने स्तर पर डिग्री का वेरिफिकेशन करने के बाद ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अगली आरएएस भर्ती 2024 में ऐसा ही शामिल होने की संभावना अब लग रही है। स्कूलों में न शिक्षक पूरे, न ही भवन, कैसे पढ़े आदिवासी बच्चे। व्याख्याताओं के पद खाली है। फर्स्ट ग्रेड के डिप्टी जेलर भर्ती 2024 अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं देने से जुड़ा मामला। आईआईटी में प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग शुरू, इस महीने से शुरू होगी पढ़ाई। राजस्थान में पहले राउंड की पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। प्री डीएलएड 2024 परीक्षा आवेदन में संशोधन का अंतिम अवसर 28 तक। परफेक्ट स्कोर विद्यार्थियों की संख्या 67 से हुई 17। नीट यूजी। अब शिक्षक व विद्यार्थी रविवार को स्कूल नहीं आएंगे, सेवा सप्ताह को लेकर परिषद ने जारी किए संशोधित आदेश। 3-5 अगस्त तक अजमेर जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग पूरा लेखपाल, सहायक पूरा लेखपाल, शोध अधिकारी व रसायन प्रतियोगी परीक्षा 2024। कुल 5 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। 7 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी, आज से दर्ज कर सकेंगे आपत्ति आरपीएससी अजमेर। इसके अलावा दोस्तों सीटी और 40% और रीट को लेकर भी फैसला हो सकता है। रीट विज्ञप्ति को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को जल्द सरकार निर्देश दे सकती है।